क्यों कह रही हो उसमें बुखारी साहबा जी दुआएं दे रहे हैं लोग तो? कोई दुआएं नहीं है किसी की भी नहीं है, ये झूठ वाली बात है साली है। अच्छा, उसका 1 लाख रुपया बिल आ गया, बेवा है। मैं आपको कहता हूँ मैंने आपको रिलीज दे दिया, आपके लिए मुझे मिला नहीं, इसका क्या मतलब है? गोली टोपी हमारे घर 16,000 रुपया बिल है, मेरी मनवान ने तार में रिलीफ थोड़ा सा दिया, एक तरफ से लेते हैं दूसरी तरफ से खत्म कर देंगे ये लोग। फायदा हो तो दुआएं दे, कोई काम ही नहीं करना तो हम दुआएं क्यों इनको देंगे? कोई रिलीफ नहीं है, सब चोर इकट्ठे हुए हैं, हम गरीबों को इन्होंने सिर्फ लूटने का एक बहाना बनाया हुआ। ये गाँव में चले गए हैं तो इनका बंद मीटर था, उसका 30,000 रुपया बिल आ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुतरा। नाज़रीन, उस्मा बुखारी साहबा का एक बयान आया है कि मरियम नवाज ने जो बिलों में रिलीफ दिया है लोग आज उन्हें दुआएं दे रहे हैं, और ये भी उनका एक बयान था बीच में कि ये अपने फंड से दे रही हैं रिलीफ कोई। बहरहाल उस न्यूज़ को तो मैंने कर दिया है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि रिलीफ लोगों को मिला है, कितना मिला है, दुआएं दे रही है अवाम नहीं दे रही है, ये तो अवाम ही मुझे बताएगी। मुझे तो नहीं मिला अभी तक कोई रिलीफ, मैंने तो बिल पूरा ही पे किया है। तो आइए देखते हैं किसको रिलीफ मिला है किसको नहीं मिला। मेरे साथ रहिए, और दुआएं दे रही है नहीं दे रही मेरे साथ रहिए। भाई ने मेरे अपना बहन नहीं लगने साली है। अच्छा, उसका 1 लाख रुपया बिल आ गया, उसका बेवा है, बिल्कुल बेवा है। 1 लाख रुपया बिल आ गया, 1 लाख रुपया बिल आ गया, वो बेवा है, बेवा है, किराए पर रहती है, जरिया आमदनी भी कोई नहीं है, कोई नहीं है। मैं आपको चेक कराता हूँ, उधर गुलशन अभी इधर साथ ही नहीं। तो ये उसमें बुखारी साहब कह रही थी मरियम नवाज को दुआएं दी जा रही है, 1 लाख रुपया आ गया, रिलीफ मिल गया। हाँ जी, क्या रिलीफ मिल गया जी? वो इतनी परेशान, पिछले उसने 16,000 रुपया तारा, अभी 1 लाख रुपया बिल आ गया उसे, उसका क्या करें हम? बहुत रो रही है बेचारी, क्या करे, बेवा है, 4-3 बेटियां के बेटा है, बेटा ही पढ़ते, सब पढ़ते हैं, तो जाहिर है वो दुआएं कैसे देगी फिर? हाँ जी, वो क्या करें हम? ओह माय गॉड, किसको जाके कहें? आप ये बात कर रहे हैं ना कि ये एक है, हमारे पाकिस्तान में लाखों केस ऐसे हैं, लाखों केस ऐसे हैं। जी हाँ, जहाँ पर लोगों को रोटी तो कह रही थी दुआएं दे रहे हैं लोग, और मरियम ने अपने जेब से दिया, यानी अपने फंड से भी। आपको क्या लगता है आप पाकिस्तान में कितने अरसे से रह रहे हैं? मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह 50 साल से ऊपर हो गया। तो ये गोली टोफे ले रहे हैं, आपको नहीं पता? एंड हो गया ना, बस ठीक है, इतनी काफी है, गोलियां टोपी दे रहे हैं, खत्म हो गई बात, कोई रिलीफ नहीं मिला बिलों में। सर ये कहानी है, कहानी है, अगर मिलता तो हमें ना मिलता, आपको ना मिलता, बिल्कुल मुझे तो नहीं मिला, मैंने तो मैं आपको कहता हूँ मैंने आपको रिलीज दे दिया, आपके लिए मुझे मिला नहीं, इसका क्या मतलब है? गोली टोपी ये हो गया सर। ये क्या कह रहे हैं, जो बिलों का बोझ था, और उस्मा बुखारी कह रही है आज अवाम जो है मरियम नवाज को दुआएं दे रही है, उसने रिलीफ दे दिया बिलों के अंदर। किस चीज की रिलीफ दी है? बिलों में रिलीफ दी है, 3-3 हज़ार, 4-4 10-10 हज़ार बिल भेज देना, माड़ा बंदा तो पीसिया जा रहा है कि नहीं पीसिया जा रहा है? जिन्हों के आलू छोड़े लगे ने उन्होंने तो कोई टेंशन नहीं गई, उन्होंने तो कहने ये ठीक है, रोटी मिली खाण कमान नू, ओदे बह के खा रहे ने घर, ते माड़ा बंदा पीसिया जा रहा है। देखो ना इन्होंने टमाटर लाए ने, हर बंदे परेशान है, महंगाई इन्नी कि माड़ा कारोबार दे लोग दुनिया दे है नहीं। थोड़ा बहुत रिलीफ तो किसी को मिला है किसी को नहीं मिला कहते हैं? हमें नहीं मिला, कौन कहता है मिला है? हमारे घर 16,000 रुपया बिल है, मेरी मनवान ने तारना तो हम नहीं है, पाकिस्तानी वहाँ लिखा हुआ आया, कुछ नहीं आया भाई जान, कुछ नहीं आया लिखा हुआ। क्या कहते हैं कि कोई रिलीफ मिला है, जो कह रही है उस्मा बुखारी साहबा कि हम दुआएं दे रही हैं? हमें तो सर कुछ भी नहीं मिला, रोटी नहीं लगती इन्होंने, तुम्हें कहते रिलीफ नहीं लिया, अजीब गल तुम कर रहे हो, क्यों हो गया तुम? अपनी खा रही है, कोई किसी को नहीं देता। वेखो ना, 10 पेटी टमाटर की लियादियां ने, जिंदे चो 5 पेटियां सही निकलियां, 5 गंदियां निकल आईयां, और किन्नू जाके पेटियां देवे? सुबह का सोची पे है उनका हाल, वेखो जे गरीब का की होया है, मारना कैमरा तेरा हाल इन्हां दा, वेखो की हो गया। क्यों जी, आपका भी बिल आया होगा बिजली का? हाँ जी बिल्कुल आया। तो कोई रिलीफ उसके अंदर लिखा? कुछ नहीं है, बस कुछ नहीं है। तो क्यों कह रही उसमें बुखारी साहबा जी दुआएं दे रहे हैं लोग तो? कोई दुआएं नहीं है किसी की भी नहीं है, ये झूठ वाली बात है, जो खा रहा है वो दुआएं दे रहा है, जो नहीं खा रहा वो बस वैसे ही गुजारा कर रहा है अपने घर का।
ऐसे हो जो 1 लाख बिल आया है, बेवा औरत है, वो अभी बताया उसने, बताया उसको चाहिए कम करने, 10-5 इतना बहुत है। आप सवाल उनसे कर रहे हैं, आप सवाल उनसे क्या किया अभी आपने, क्या पैगाम है तो ऐसे बयान क्यों सर? वो जॉब कर रही है, हम परेशान है। वो जॉब कर रही है, हम परेशान है। आप मिला करें मुझे। नहीं, वो कह रही है जी अब मरियम नवाज को बड़ी दुआएं मिल रही हैं जो उन्होंने बिलों में रिलीफ दी है। आप मानते हैं ये बात? अगर आप नहीं आप मानते हैं तो हम भी मान लेते हैं ये बात। नहीं नहीं, मैंने तो बिल पूरे जमा कराए, मैंने इंट्रो में कहा है। बिल तो सारों ने ही जमा कराने हैं, नहीं कराएंगे, मीटर उतार के ले जाएंगे, बिजली के बगैर रह सकते हैं? अब वो पुराना जमाना चला गया, बिजली के बगैर तो जिंदगी नहीं है। उस पर कहीं लिखा नजर आया कि रिलीफ कोई मिला है? रिलीफ थोड़ा सा दिया है, एक तरफ से लेते हैं दूसरी तरफ से खत्म कर देंगे ये लोग, दो दफा यही होगा। खान साहब को छुड़वाएं, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, वही लीडर है तो लीडर को तो पता है आपको, वो आएगा बाहर तो शायद कुछ हो सकता है, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। लेकिन उसको कुछ नहीं हो सकता। क्या कहते हैं जी आप सब भी, आप सबको भी बिजली के बिल आए होंगे, क्या मरियम नवाज साहिबा को दुआएं दे रहे हैं आप लोग? हम तो किसी को भी नहीं दे रहे। नहीं, किसी को भी नहीं दे रहे। पूछे क्यों? क्यों? क्योंकि फायदा हो तो दुआएं दें। दुआएं दें, बिल्कुल सही है। कोई काम ही नहीं करना तो हम दुआएं क्यों इनको देंगे? किस बात की दुआएं? देखें, गरीब आदमी मर रहे हैं तो ये हमारे क्या कर रहे हैं? बस जो अमीर होते हैं उनका घर पूरा करते हैं, कभी गरीब का सोचा इन्होंने? अगर हमारी जगह पे आके ये देखे ना तो इनको पता चले कि एक टाइम पकती है या नहीं पकती। आप सुन रही हैं मरिया बाजी उज़्मा के, सुन रहे हैं ज़रा आवाम की आवाज़ कि यहाँ गरीब आवाम इतनी परेशान है, ये कैसे दुआएं निकलेंगी? वो कह रहे हैं एक टाइम की पकती, एक टाइम की नहीं भी पकती। रोड बनाने की पड़ी हुई है, पता है कितने गरीबों का काम बंद हो गया है, सिर्फ जाना है तो गाड़ी वाले ने जाना है ना, बाइक वाला नहीं जा सकता, रिक्शे वाला नहीं जा सकता, तो वही है ना, जो जिसके पास पैसा है वो ही समझ ले ऊपर चढ़। बिजली के बिल आए हैं, उनमें रिलीफ मिला आपको कि नहीं मिला? हमें तो कुछ नहीं मिला, हमें तो 18,000 अभी आया, एक पंखा चलता है ठीक है, तो सरकारी पानी जी, सरकारी में भी वही है, सारे टैक्स यहाँ से निकल रहे हैं, कोई रिलीफ नहीं है, सब चोर इकट्ठे हुए हैं। हम गरीबों को इन्होंने सिर्फ लूटने का एक बहाना बनाया हुआ है, ये कम हो गया है, आज कम हो गया कल ज़्यादा हो जाएगा, आज कम हो गया कल फिर ज़्यादा हो जाएगा, सिर्फ बहाने ही बहाने हैं और कुछ भी नहीं है इनके पास। इन्होंने सारी ज़िंदगी इस तरह, ये बच्चे हैं ना, ये बच्चे, ये इनका आने वाला इससे बुरा है, अच्छे की उम्मीद नहीं है इनको। ये भाई का मीटर, ये हमारे मसाए हैं इधर आइए, इन ये गाँव में चले गए हैं तो इनका बंद मीटर था, उसका 30,000 रुपये बिल आ। ये यार जी, बंद मीटर का 30,000 बिल है, मीटर खुले हुए थे की होएगा मतलब की बनेगा? ओए यार माय गॉड, भाई बड़े बड़े बंदों में आंसू आ गए हैं, बड़े बड़े आदमी रो पड़े हैं, इनसे पूछना है भाई, मैं आया तकरीबन 40 साल का बंदे के दिल में आंसू हैं, दिल में आंसू हैं, आंखों में नहीं ना, दिल में आंसू हैं, दिल रो रहा है, अकेले बैठ के ना, वो एक नवाला खाता रहा तो एक आंसू गिरता है, दूसरा खाता है तो दूसरा आंसू गिरता है, कोई पूछने वाला नहीं है इनको। ये कितने बंदे खड़े हैं, इनसे पूछे कोई खुशहाल है? कोई भी नहीं खुशहाल इस इलाके में, पानी वो गंदा, बिजली आती है 8 घंटे, बिल 24 घंटे के टैक्स ले रहे हैं। तो बंद मीटर का आपको बिल, तो आपने कोई एप्लीकेशन नहीं दी कि मैंने तो किन्नू दे मीटर उतार के ले गए, अगले मीटर उतार के ले गए, किसको दे? गरीब आदमी के कोई सुनता है? वो अगले मारते हैं, निकाल देते हैं जी, ये आंखों में आंसू हैं, इनकी तरफ कैमरा करें जरा देखें यार, आई लव यू। बहरहाल मेरी ये, मैं सब, मैं भी इनमें से ही इनका ही हिस्सा हूँ, क्योंकि मैं भी वही आवाम हूँ जो ये आवाम है। उज़्मा बुखारी साहिबा, आपने लोगों की आवाज़ सुन ली, आप कह रही हैं कि मरियम नवाज को लोग दुआएं दे रहे हैं, यहाँ तो लोग रो रहे हैं, पीट रहे हैं, परेशान हैं, खाने के लिए भी परेशान हैं, बिजली के बिल वो कह रहे हैं कि उतने के उतने ही आए हैं, ज़्यादा आए हैं कई लोगों को, और वो बेवा को 1,00,000 रुपया बिजली का बिल, बंद मीटर का 30,000 रुपया बिल आ गया, तो आगे क्या बनेगा? आप कह रही है ऐसे दुआ देनी है कि दुआ देनी? बहरहाल हमने जो है आवाम की आवाज़ आपको सुनानी थी, आवाम
عوام کی آواز اب تک پہنچانی تھی وہ ہم نے آپ کو سنوا دی ہے عوام کی آواز اب تک پہنچا دی ہے بہتری کریں کچھ سوچیں اس غریب عوام کے لیے ہمارا کام اتنا ہی ہوتا ہے کہ عوام کی آواز آپ کو سنوا دی جائے بہرحال یہاں پر میں کہتا ہوتا ہوں کہ ہنستے رہا کریں ہنسی والی زندگی گزارا کریں لیکن کیا کروں یہاں لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں ہنستے رہیں مسکراتے رہیں ہنسی والی زندگی گزاریں کبھی کسی کی دل آزاری مت کیجیے گا عزت عزت لیں محبت بانٹیں اور محبت حاصل کریں اور پروردگار پر یقین رکھیں کیونکہ سب طاقتیں میرے رب کے اندر ہیں اور وہی سب بہرحال ہمارا کام یہی ہوتا ہے کسی کی دل آزاری مت کیجیے گا اور پروردگار پر یقین رکھیے گا کیونکہ سب طاقتیں میرے رب کے اندر ہیں اور وہی سب کچھ کر سکتا ہے بڑی صاحب بے شک آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ایک یہ پوچھنا ہے کہ یہ بجلی کا بل جو ہے اس میں ٹیکس جنرل سیل ٹیکس مزید ٹیکس ایکسٹرا ٹیکس یہ ٹیکس ہیں یا بجلی کے بل ہیں جب دیکھیں نا 30,000 روپے بل ہے تو اس میں سے تقریباً کوئی 6,000-7,000 کی بجلی کے یونٹ ہوتے ہیں باقی سارے ٹیکس یہ ٹیکس ایکسٹرا ٹیکس یہ کس چیز کے ہیں ٹیکسی ٹیکس ہے بھائی صرف ٹیکسی ایکسٹرا ٹیکس ہیں کس چیز کے سوال ہے آپ سے عوام کا کس چیز کے ٹیکس لگ رہے ہیں ہم نے آپ کے لیے واٹس ایپ چینل بھی بنایا ہے اس کا لنک نیچے دے دیا اسے فالو کیجیے گا مسکے چینل کو سبسکرائب کرتے رہے لائک کرتے رہے کمنٹ کرتے رہے اور گھنٹی دبانا مت بھولیے گا کیونکہ سسرا آپ کے ساتھ ہے کیونکہ سسرا آپ کے ساتھ ہے